एक पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर में आ गई है। किसी के जमीर पर चोट करेंगे तो व्यक्ति निराश होकर फिर बदल करता है। जोबट से बहन सुलोचना रावत का स्वागत है और जल्द ही और भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे। वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हम आपसे कैसे रेस लगा सकते हैं, कांग्रेस के कमलनाथ तो सिर्फ आरोप लगाते हैं पर खुद पर ध्यान नहीं देते। कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का स्ट्रीट बना दिया था, उस पर जवाब क्यों नहीं देते? स्वाभाविक रूप से ये आरोप आईने के सामने खड़ा होकर लगाया गया आरोप है। वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल को दलालों का स्ट्रीट बनाने वाले, दलाल स्ट्रीट बनाने वाले कमलनाथ जी, आप ही को दाग अच्छे लगते हैं। उम्र का तकाजा है, भूल गए होगे। आप कह रहे हो कि आप में कोई दाग नहीं है, सिख दंगों का दाग आप पे नहीं तो किस पे? आपके भांजे रतुलपुरी जी का दाग आप पे नहीं है तो किस पे? आपके मुख्यमंत्री रहते जो छापे पड़े थे वो दाग किस पे? मध्य प्रदेश को तबादला उद्योग बनाने वाले कमलनाथ जी, ये दाग किस पे? अगस्ता बेस्टलैंड का दाग किस पे है? अगर ऐसे दाग अगर बताने की चालू करेंगे तो पूरी सीरीज आ जाएगी और कमलनाथ जी के दाग ही दाग, छेद ही छेद नजर आएंगे आपको। छाछ बोले तो बोले, ये तो छालनी भी बोले जिसमें 76 तो छेद। दरअसल कमलनाथ जी क्या है कि रेस लगाने की चुनौती देते हैं हमको और खुद अपनी पार्टी में अढ़ाई घर चलते हैं। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे। जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त है, स्कूल चलाने में व्यस्त है, तभी अरुण यादव जी की इनकार की पटकथा लिखी जा रही थी। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए थे कमलनाथ जी अध्यक्ष, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक पिछले वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना, इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है इस चुनाव में, और कांग्रेस का कार्यकर्ता निराशा के दौर में है और कांग्रेस उपचुनाव के परिणामों को भी समझ ले। अब जनता भी समझ गई कि उपचुनाव के क्या होगा। खंजरों का काम जनाब करते हैं और बेवजह खंजरों को बदनाम करते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।